लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि एल्गोरिथमिक सेल का हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस किया था। तो अभी इस क्लास में हम करेंगे एल्गोरिथमिक सेल का क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब तो पता है, हमने क्या पता किया था कि कैथोड पे किसका रिडक्शन होगा, एनोड पे किसका ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, ये हमने पता किया था। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब क्या है कि कैथोड पे जो रिडक्शन होगा जिसका भी, तो कितना होगा, मतलब कितना मास हो सकता है उसका, डिपॉजिट होगा वहाँ पे, या फिर कितना वॉल्यूम ऑफ गैस वहाँ पे फॉर्म होगा, या फिर कितना नंबर ऑफ मोल्स वहाँ पे फॉर्म होगा। वैसे ही एनोड पे जो ऑक्सीडेशन होगा वहाँ पे जो जमा होगा, जो डिपॉजिट होगा, जो भी सब्सटेंस, तो उसका कितना मास होगा, कितना वॉल्यूम होगा, या फिर कितना नंबर ऑफ मोल्स होगा। तो इसमें हम पता क्या करते हैं, मास ऑफ द सब्सटेंस, या फिर वॉल्यूम ऑफ गैस, या फिर नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो इसके लिए एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आता है, बहुत ही बेसिक टाइप बेसिक्स है। ठीक है, तो इसमें इसमें क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ये कितना होता है, 1.6 इंटू 10^-19 कूलम। ठीक है, तो हम चार्ज ऑन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये निकाल सकते हैं। वन मोल का मतलब क्या होगा, 6.023 इंटू 10^23 यही नंबर होता है। मोल का मतलब जस्ट ये नंबर है ना, ये नंबर को हम लिख लेते हैं एवोगैड्रोस नंबर। हाँ, सॉल्ट में एन ए कहते हैं, ए स्टैंड फॉर एवोगैड्रो, एन स्टैंड फॉर नंबर। तो ये कितना होगा, 1.6 इंटू 10^-19 इंटू 6.023 इंटू 10^-23 कूलम। तो ये कितना होगा, ये अप्रोक्सीमेटली आता है तुम्हारा 96500 कूलम। ठीक है, तो ये तुम्हें याद रखना है। तो चार्ज ऑन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या आएगा, 96500 कूलम। तो ये तुम्हारे यूज होगा इसमें। ठीक है, इसको नोट कर लो। तो इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस हम कैसे करते हैं, इस पे एक्सपेरिमेंट किया था किसने, फैराडे ने। फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया था, उसके बेसिस पे उसने लॉज दिए। ठीक है, तो फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या है, उसने क्या ऑब्जर्व किया था, जो मास मास ऑफ द सब्सटेंस, मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड, डिपॉजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड
ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज फ्लोड या फिर चार्ज पास्ट थ्रू दैट इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो उसका स्टेटमेंट ये था, उसने ये कहा था, ये फैराडेस का फर्स्ट लॉ। तो इसका मतलब क्या, हमने मास को हम एम से दिखा दी, मास ऑफ, इसको मैग्नेटिज्म कह सकते हैं, एम से डिनोट कर दिया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, चार्ज को हम कैसे डिनोट करते हैं, क्यू से। ठीक है, उसने ये ऑब्जर्व किया था, उसको ये रिलेशन कहां से मिला, एक्सपेरिमेंट करके डाटा कलेक्ट करके, तो उसने ये रिलेशन निकाला। ठीक है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, एम इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट जेड इंटू क्यू। ठीक है, तो ये क्या कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है। ठीक है, या फिर इसको हम इक्विवेलेंट कॉन्स्टेंट भी कहते हैं, इससे भी जान सकता हूँ। ठीक है, इसको भी नोट कर लो, तो M इक्वल टू क्या आ गया, जेड क्यू। तो यहां पे हम क्यू इक्वल टू M, तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं, क्यू इक्वल टू एम बाई जेड ऐसे ले सकते हैं, या फिर हम जेड इक्वल टू ले सकते हैं एम बाई क्यू। ठीक है, तो इफ मुझे क्या चाहिए, जेड का वैल्यू चाहिए इस कॉन्स्टेंट वैल्यू के लिए, इफ क्यू इक्वल टू ऐसे लिखते हैं, इफ चार्ज पास्ट थ्रू द इलेक्ट्रोड इज चार्ज पास्ट, इसको क्या क्यू इज इक्वल टू 1 कूलम। अगर ये 1 कूलम होता है देन अगर q का वैल्यू 1 कूलम आ गया तो z इक्वल टू m, मतलब z हैज ए वैल्यू इक्वल टू द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड। ठीक है, समझे ये बात। ठीक है, तो अब हम जेड का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, ये देखो एक एग्जांपल लेते हैं सोडियम का, Na प्लस है मेरे पास, जस्ट सपोज Na प्लस है और इसका हम रिडक्शन कराते हैं, कैथोड लेते हैं, कैथोड पे Na प्लस का हम रिडक्शन कराते हैं, तो Na प्लस
प्लस वन इलेक्ट्रॉन कितना होगा, एन ए सॉलिड होगा। तो अगर मान लो मेरे पास वन मोल ऑफ एन ए प्लस है, ठीक है, तो उसके लिए कितना रिक्वायर्ड होगा, वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड करना पड़ेगा, तभी मेरे पास क्या वन मोल ऑफ सोडियम मिलेगा। ठीक है, अगर मेरे पास एक आयन है सोडियम का एनए प्लस, उसके लिए मुझे क्या एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन मतलब कितना चार्ज चाहिए, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, एक इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना, इतना ही होता है। अगर मेरे पास वन मोल ऑफ एनए प्लस है, उसके लिए मुझे क्या वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होगा, तो यहाँ पे क्या वन मोल ऑफ एनए बनेगा। इसका मतलब मुझे वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहने का मतलब क्या 96500 कूलम ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड होगा। मतलब अगर इफ वी प्रोवाइड 96500 कूलम देन वी गेट वन मोल ऑफ सोडियम। ठीक है, अगर हमने इतना कूलम लगाया तो मुझे क्या वन मोल ऑफ सोडियम मिला। तो इसको ले लो स्क्रीनशॉट। हाँ, तो फिर इफ वी प्रोवाइड 1 कूलम ऑफ चार्ज देन, इस यहां पे 1 मोल ऑफ सोडियम है, इसका मतलब और 23 ग्राम ऑफ एन, 1 मोल सोडियम का मतलब क्या 23 ग्राम ना मोलर मास। इफ वी प्रोवाइड 1 कूलम ऑफ चार्ज देन वी विल गेट 23 ग्राम डिवाइड बाय 96500 ऑफ एन। ठीक है, तो यहां पे इंटू वन कर सकते हैं, यहां पे इंटू वन करते कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और ये हम क्या लिख सकते हैं, तो ये जो वैल्यू है ना, अगर 1 कूलम प्रोवाइड करते हैं तो If Q equal to 1, Q equal to 1 कूलम, तो Z equal to क्या M होता है, यहाँ पे Z equal to क्या आ जाएगा 23 Z for N A कितना आ जाएगा 23 ग्राम by 96500 into 1 लिख सकते हैं। तो इसको हम इनडायरेक्टली क्या कह सकते हैं, मोलर मास ऑफ एन ए डिवाइड बाय 96500 इंटू एन फैक्टर, इसका एनफैक्टर कितना एन ए प्लस का 1। तो यहां पे अगर कोई और दूसरा एलिमेंट होता तो वहां पे कुछ एम जी 2+ होता, यहां पे एन फैक्टर यहां पे 2 लिखना पड़ता, क्योंकि उसको 2 एटम चाहिए होगा ना फिर। ठीक है, इसको ये मेरे पास क्या जेड का फॉर्मूला बन गया, इसको नोट कर लो।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो जाओ। तो अभी हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लो हमारे पास MgCl2 है मोनेटाइन, इस केस में रिडक्शन किसका होगा? Mg2+ का। यहाँ पे क्या 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये Mg बन गया। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ Mg2+ विल रिक्वायर 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और ये प्लस 2 × 9,6,500 कूलम देने से मुझे एमजी का 24 ग्राम ऑफ एमजी मिलेगा। ठीक है, और 1 कूलम देने से 24 ग्राम डिवाइड बाय 2 × 9,6,500 ग्राम ऑफ एमजी मिलेगा। तो यही तो वैल्यू है 1 कूलम देने पे। क्या अगर क्यू का वैल्यू 1C हो गया तो जेड इक्वल टू एम होता है। तो यहाँ पे हम जेड को एज ए फॉर्मूला डिफाइन कर सकते हैं, मोलर मास डिवाइड बाय 2 × 9,6,500। यहाँ पे ऐसे लिख सकते 9,6,500 × n फैक्टर। तो ये n फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो ये रिडॉक्स में एक बार लिख लेना, जहां पे भी मिले n फैक्टर जरूर पढ़ लेना। ठीक है, ये हो गया। अब इसके आगे देखते हैं। अब हम वो इक्वेशन पे आते हैं। हाँ, क्या था? m = zq। ये इक्वेशन हमने फैराडेज लॉ से लिखा था, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अभी हम जेड का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, तो यहाँ पे m = क्या रहेगा? मोलर मास
डिवाइड बाय 96500 इनटू एन फैक्टर इनटू चार्ज, इसको हम ले सकते हैं। देखो चार्ज कर तो क्या होता है, आई करेंट इनटू टाइम, ये तो पता ही सबको। क्यों करेंट क्या होता है, क्यू बाय टी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ना, ये तो क्लास 19 में पढ़ा था सबने। तो यहाँ पे मोलर मास इनटू क्यू इनटू क्यू के जगह क्या आई इनटू टी लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 96500 इनटू एन फैक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे ऐसा भी हो मिल सकता है, इसको हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास बाय एन फैक्टर। ये क्या जाएगा, इक्विवेलेंट मास इंटू आई इंटू टी डिवाइड बाय 96500। तो कहीं कहीं पर ये भी फॉर्मूला मिलेगा तुम्हें किसी किसी बुक में इक्विवेलेंट मास के टर्म्स में। ठीक है, ये नोट कर लो। यहां से लेना इससे हम ये भी डिराइव कर सकते हैं, जैसे यहाँ मोलर मास है ना, तो हम क्या एम बाय मोलर मास इक्वल टू क्यू बाय 96500 इंटू एन फैक्टर भी ले सकते हैं, या फिर हम नंबर ऑफ मोल्स एन इक्वल टू आई इंटू टी डिवाइड बाय 96500 इंटू एन फैक्टर भी ले सकते हैं। तो ये भी फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला से मुझे क्या मिला है, एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन फैक्टर। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिल सकता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस एट कैथोड डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस एट एनोड। ये क्या होगा, नंबर एन फैक्टर ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट एट एनोड बाय एन फैक्टर ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट एट कैथोड। ये क्यूबिक सा फॉर्मूला है, तो ये कैलकुलेशन काफी आसान होता है, इससे बुक्स में नहीं मिलेगा पर इसका हम यूज कर सकते हैं। जस्ट अपोजिट है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट कैथोड क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर एन फैक्टर ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट एट कैथोड। ठीक है, ये क्या, कैथोड ए स्टैंड्स फॉर एनोड। ठीक है, ये नोट कर लो। ये हो गया तुम्हारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस।
फर्स्ट लॉ है, अभी हम देखेंगे फैराडे सेकेंड लॉ। अभी देखेंगे फैराडे सेकेंड लॉ। फैराडे सेकेंड लॉ क्या कहता है? अगर मान लो दो सेल सीरीज में जुड़ा हो, जैसे मान लो ये हमने दो से बना लिया, मान लो यहाँ पे ए जमा हो रहा है, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी, ठीक है, और इसको हमने करेक्ट कर दिया फैक्ट्री से। ये साइड प्लस है, ये साइड माइनस है, ये क्या हो गया? कैथोड। ये क्या हो गया? एनोड। बराबर। अभी यहां पे ये क्या होगा? एनोड। ये क्या होगा? कैथोड। ऐसे होगा कुछ। तो इस कनेक्शन को हम सीरीज कनेक्शन कहते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट है, ऐसे कनेक्शन को हम सीरीज कनेक्शन कहते हैं। तो इस कनेक्शन को हम सीरीज कनेक्शन कहते हैं। ऐसा कुछ कंडीशन मिला, अगर हमें ऐसा कुछ कंडीशन मिला तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ क्या होता है? मास ऑफ ए इज टू मास ऑफ बी, मतलब मास ऑफ ए डिपोज, मतलब मास ऑफ ए डिपोजिटेड एट कैथोड, इसके कैथोड के ऊपर, इस कैथोड के ऊपर इज टू मास ऑफ बी इज टू मास ऑफ सी इज टू मास ऑफ डी इक्वल टू इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास ऑफ ए इज टू इक्विवेलेंट मास ऑफ बी इज टू इक्विवेलेंट मास ऑफ सी इज टू इक्विवेलेंट मास ऑफ बी। तो हम ये देखते हैं कि इक्विवेलेंट मास ऑफ ए है, इक्विवेलेंट मास ऑफ बी है, इन ये लोग क्या आपस में प्रोपोर्शन होते हैं, मतलब मास ऑफ ए इज टू मास ऑफ बी इज टू मास ऑफ सी इज टू मास ऑफ डी क्या इक्वल टू क्या होता है? इक्विवेलेंट मास ऑफ ए इज टू इक्विवेलेंट मास ऑफ बी इज टू इक्विवेलेंट मास ऑफ सी इस टू इक्वल मास ऑफ डी, ठीक है। अगर सी का रिलेट हुआ तो ये कंडीशन होता है। हाँ, तो इसको मैं बाद में प्रूव भी करूँगा। फिलहाल ये स्टेटमेंट लिख लो, फॉर एनी सीरीज कनेक्ट, फॉर एनी सीरीज कनेक्शन ऑफ टू और मोर देन टू सेल्स, फॉर एनी सीरीज कनेक्शन
सेल्स, टू और मोर देन टू इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, दैट इज देन द मास ऑफ सब्सटेंस then the ratio of mass of the substance of substances deposited is equal to the ratio of of their respective equivalent masses. ठीक है, ये नोट कर लो.